हेलो मैं हूं मोनिका एंड वेलकम टू स्टडी विला फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो गाइस एम जी फाइव को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है मगर आप अगर टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ोगे तो ये भी आपको अच्छा लगेगा गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको चैनल की वीडियोस हेल्प कर रही हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तो आज की वीडियो है ऑन बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में फैंसी एंड इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट जो कोवरेज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया कई बार पूछा जाता है

के प्रीफेस की तरह लिखना चाहते थे पर बाद में उन्होंने इसे 1870 में एज अ बुक पब्लिश करवाया विच हैज़ टू वॉल्यूम एंड 24 चैप्टर्स बुक रोमांटिक पीरियड के दौर की है जब लिटरेचर का फोकस नेचर एंड इंडिविजुअलिटी पर शिफ्ट हुआ इस वर्क में कोलरिज ने फिलॉसफी, रिलीजन लिटरेरी थ्योरी का मिक्स किया है जिसमें कि अपना उन्होंने जर्मन इन्फ्लुएंस भी दर्शाया है बुक का स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर फैशन को फॉलो नहीं करता जिसमें कि लाइफ की स्टार्टिंग से आगे की कहानी बताई जाती है हैंस इट इज अ मेडिटेटिव नैरेटिव जिसे कि इम मेथोडिकल मिसलनी भी कहा जाता है इस वर्क को कोल्डिज ने अपनी लाइफ के टफ पीरियड में लिखा जिसमें कि उन्होंने पहले से चलती आ रही पोइटिक थियोरी को चैलेंज किया साथ ही इसमें उनका क्रिटिकसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ

he 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 contributed a few poems in lyrical ballads also. Apart from rhyme of ancient mariner, he has written famous poem Kubla Khan, which he wrote under opium addiction. स और जीनियस थे अपनी पढ़ाई छोड़कर वे एक फिलोसफिकल पॉलिटिकल सोसाइटी स्टार्ट करने में लग गए इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने पहले सारा से और बाद में हचिन से शादी की

बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 17 में कोवरेज ने प्रोफेस टू लिरिकल बैले को रेफर करते हुए वर्ड्सवर्थ वर्थ की पोइटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है लेट्स लुक एट सम ऑफ द ही मेड सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन यानी पोएट्री की लैंग्वेज जो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ऑफ रस्टिक्स यानी किसानों कॉमन मैन से जुड़ी होनी चाहिए इस स्टेटमेंट को गोवरेज बताते हैं कि वर्ड्सवर्थ खुद परफेक्टली अप्लाई नहीं कर पाए वर्ड्सवर्थ की पोम्स जैसे रात

Wordsworth की पोम्स की लैंग्वेज कॉमन मैन की लैंग्वेज से बहुत अलग है कोडरिज के हिसाब से जो किसान पीस माइंड एक्साइटमेंट में लैंग्वेज यूज करेगा दैट विल बी सेट ऑफ रिपीटेड वर्ड्स एंड एंड फ्रेजेस इज अनफिट फॉर पोएट्री इन्हीं व्यूज को क्रिटिकली एग्जामिन करके कोडरिज ने अपनी पोएट्रिक थियोरी दी सो लेट्स हैव अ लुक एट द पोएटिक थियरी ऑफ कोलरिज कोडरिज की पोएटिक थियोरी बेस्ड है ऑन थ्री पीस पोम पोएट्री एंड पोएट जिसे कि उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया के फोर्टीन चैप्टर में एक्सप्लेन किया है वे मानते हैं कि पोम इज़ दैट स्पीशीज ऑफ कॉम्पोजिशन विच इज़ अपोज टू वर्क ऑफ साइंस बाय प्रपोजिंग इट्स इमिजिएट ऑब्जेक्ट प्लेजर नॉट ट्रूथ यानी पोम साइंस से अलग है जो प्लेजर देती है वे अच्छी पोम की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि द बेस्ट पोम एक्टिवेट्स होल सोल ऑफ मैन यानी पोम इंसान की आत्मा को भी टच करती है कोवरेज के हिसाब से प्रोज और पोएट्री में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही वर्ड्स का अरेंजमेंट है ही सेज़ प्रोज इज़ वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर एंड पोएट्री इज बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर ही ऑल्सो आर्ग्यूज ऑन लेंथ ऑफ पोएट्री एंड सेज़ लॉन्ग पोएट्री के नॉट बी पोएट्री दोस्तों प्रोज वर्ड्स इन पैराग्राफ को कहते हैं लेकिन प्रोज के शब्दों पर राइम और मीटर ऐड कर दिया जाए तो वो एक पोम बन जाती है ऐसा कोवरेज का मानना है मगर पोम के हर एलिमेंट को एक दूसरे से हारमोनाइज होना चाहिए वे मानते थे कि पोइटिक एक्टिविटी पोइट की माइंड की एक्टिविटी है एंड इज बेसिकली इमेजिनेशन कोरिज सभी क्रिएटिव आर्ट्स के लिए इमेजिनेशन को रिस्पॉन्सिबल मानते थे इनसे पहले इमेजिनेशन या कल्पना को मैजिकल मिस्टेरिकल पावर माना जाता था पर कोलरेज ने माना कि इमेजिनेशन एक मैजिकल मिस्टिकल पावर है मगर मिस्टेरिकल नहीं यानी रहस्य नहीं है कोलरेज ने इमेजिनेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी अब ध्यान से समझिए प्राइमरी इमेजिनेशन वो शक्ति है जिससे हम आउटसाइड वर्ल्ड को परसीव करते हैं थ्रू सेंसेस यानी जो भी हम देखते हैं सुनते हैं फील करते हैं जैसे बिल्डिंग नेचर ऑब्जेक्ट्स जो देखते हैं हम उसकी एक इमेज हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है और वो मिक्स नहीं होती दिस पावर इज यूनिवर्सल टू ऑल ये सबके पास होती है मगर सेकेंड्री इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट्स के पास होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन का रॉ मटीरियल है प्राइमरी इमेजिनेशन सेकेंड्री इमेजिनेशन कॉन्शियस एफर्ट्स डिवेलप होती है इसमें पावर ऑफ परसेप्शन इंटेलेक्ट यानी विचार विल पावर एंड इमोशंस सभी फ्यूज होते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राइमरी इमेजिनेशन को डिसॉल्व, डिफ्यूज एंड डिसिपेट करती है यानी गलाती है पिघलाती है टू रिक्रिएट समथिंग न्यू डिफरेंट चीज़ों को सेकेंडरी इमेजिनेशन यूनिफाई करती है तभी परसीव की हुई चीज़ यूनिक एक्सपीरियंस देती है कोल्ड्रिज से पहले इमेजिनेशन और फैंटसी या फैंसी को सेम सिनोनिमस माना जाता था कोल्ड्रिंच ने इस थॉट को चैलेंज किया और उनके हिसाब से फैंसी इज नॉट क्रिएटिव पावर बट मेयर मेमोरी जिसमें टाइम और प्लेस का कोई ऑर्डर नहीं है फैंसी केवल चीज़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें ब्यूटीफुल शेप्स में लाता है फैंसी इज इनफीरियर टू इमेजिनेशन इमेजिनेशन डिफरेंट परसेप्शंस को डिजोल्व डिफ्यूज डिसिपेट करके उन्हें यूनिफाई करता है जहाँ फैंसी का लिंक मेमोरी से है वहीं इमेजिनेशन इज एसोसिएटेड विद हार्ट एंड फीलिंग्स सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज जाते जाते एक बार रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो कैसी भी लगी हो कमेंट करना ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू